हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, तो इसी सीक्वेंस में मैं आज लेक्चर को अपने आगे ले चलता हूँ। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। गॉस थ्योरम के थ्रू हमने क्या फाइंड की थी? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी, वो भी अलग अलग सर्फेस के लिए। जैसे हमने क्या लिया था? एक इन्फाइनाइट वायर सेट लिया था, उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। एक स्पेयर लिया था, उसके लिए फाइंड की थी। और हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली थी, ठीक है। पहले चैप्टर में हम क्या किए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज फाइंड किए थे, ठीक है। इसमें कैसे फाइंड किए? गॉस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किए हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? ये तीसरा चैप्टर है। इसके पहले हम लोग फिजिक्स में दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये अगला चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव, ठीक है बच्चों। 2020 में इस चैप्टर का नाम क्या हुआ करता था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, इसके साथ कैपेसिटर भी जुड़ा हुआ था। लेकिन जो 2022 में नया पैटर्न आया एनसीईआरटी का, इस चैप्टर का नाम केवल क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं वैद्युत विभव क्या होता है, ठीक है। देखिए बच्चों, ये वैद्युत विभव कोई अलग चीज नहीं है। आप क्लास 11th में मैकेनिक्स में फोर्स पढ़े होंगे, ठीक है। तो मैं इसको फोर्स से रिलेट करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले होता क्या है? जैसे बच्चों मैं आपसे बोलूँ कि ये एक मार्कर है, ये सॉरी मार्कर नहीं, एक डस्टर है। इस डस्टर को मैंने कहाँ से? नीचे से उठाया, ठीक है। नीचे से उठाया तो इस डस्टर को नीचे से उठाने में, ऊपर तक लाने में कुछ फोर्स लगा होगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ ये हमारा कोई सरफेस है, ये ग्राउंड का सरफेस था, ठीक है। यहाँ पर कोई डस्टर अगर ऐसे रखा हुआ है, तो इसको अगर आप जमीन से ऊपर लाएंगे, उठाएंगे, तो इस डस्टर का कोई मास होगा, कोई द्रव्यमान होगा। तो इस डस्टर का मास हम कितना मानेंगे? एम मानेंगे, ठीक है। अगर ये एम मास का कोई डस्टर है, पृथ्वी में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जी होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? जी होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो वो जी से इसको अट्रैक्ट करता है, जी, ठीक है। तो यानी कि ये टोटल यहाँ पे टोटल फोर्स यहाँ का कितना हो जाएगा? एम जी, ठीक है। यानी अगर आप इस डस्टर को उठाएंगे ऊपर के साइड, तो कौन सा फोर्स लेगा? एम जी लेगा, ठीक है। तो वो लेकिन एम जी किधर लेगा? इस साइड लेगा, एफ एक्सटर्नल, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ आपसे, अगर आप इस डस्टर को उठाएंगे तो एफ एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, ठीक है। लेकिन बच्चों आप जब उठाएंगे तो इसे कुछ हाइट तक ले जाएंगे ना। कहाँ तक हाइट ले जाएंगे? कुछ हाइट तक ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो वर्क डन का फॉर्मूला आता है, डब्ल्यू बराबर क्या आता है? एफ एक्सटर्नल, ठीक है, इंटू डी। डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, आप यही तो पढ़े हैं, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। यही क्या है? यही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, ठीक है। लेकिन ये किस फील्ड में था? ये जब आप मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो इस सेक्टर में क्या था? ये किया गया वर्क डन था। लेकिन अब जब आप इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, तो यही वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम बोलते हैं, ठीक है। अब हम वो देखेंगे कि किस वे में हम इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये मैं आपको रिलेट कर रहा था टॉपिक से, ठीक है। ये यही सेम चीज़ आप पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या करेंगे? एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसका एक ब्रीफ आइडिया दे रहा था। अब जैसे कि अगर आप डस्टर जब जमीन पे था, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी थी इसमें? अगर जैसे आपसे कोई पूछे, अगर डस्टर जमीन पे है, तो इसमें एम जी एच यानी स्थित ऊर्जा क्या होगी? जीरो होगी। क्यों होगी स्थित ऊर्जा जीरो? क्योंकि एम जी तो है ना बच्चों, लेकिन क्या एच है कोई? किसी हाइट तक ये नहीं गया है, तो एच जीरो है यहाँ पे। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो थी। जब ऊपर ले जाएंगे तो इसमें वो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई चार्ज अगर आप इन्फाइनाइट से ले जा रहे हैं, तो इन्फाइनाइट भी उसे जीरो मानते हैं, ठीक है। इन्फाइनाइट भी इधर ले जाएंगे तो उसका क्राइटेरिया बढ़ेगा। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या देखते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ठीक है। क्या होता है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ठीक है। ये क्या है? किसी पॉइंट का क्या है? इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाई ए एक्सटर्नल फोर्स। मैंने क्या बताया था? ये भी एक क्या है? वर्क डन है, किया गया कार्य ही है ये, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्लोली विदाउट एक्सलेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। यानी कि किसी चार्ज को कहाँ से? अनंत से। अनंत यानी बहुत दूर से। कोई बोले बच्चों अनंत क्या है, तो क्या बोलेंगे? अनंत एक ऐसी दूरी है जो हमको पता नहीं है, जो बहुत दूर है, ठीक है। यानी किसी यूनिट चार्ज को इन्फाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन किया जाएगा, वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैं बोलूँ कि ये कोई चार्ज है, ठीक है। ये क्या है? कोई चार्ज है। क्यों चार्ज है, ठीक। इसको कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। इस क्यों चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। कितनी है बच्चों? 1 कूलम। इसको आप इन्फाइनाइट से ला रहे हैं, ठीक है। इन्फाइनाइट से कहाँ ला रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर।
ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्राइटेरिया है, यहाँ पे कोई चार्ज रखा है क्यों, इसका ये एरिया है ठीक है, इसका कुछ अपना फील्ड होगा, मतलब ऐसे कुछ एरिया तक के पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा ठीक है। अब जैसे मैं इस चार्ज को ऐसे उठा के यहाँ से लाऊं, यूनिट चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव ठीक है। इसीलिए बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, चार्ज को एक यूनिट मान लेते हैं यहाँ पे। देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप फॉर्मूले से भी डेफिनेशन बना सकते हैं, वो कैसे बनाएंगे, V बराबर W बाई क्यू, अगर Q को 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे V बराबर W हो जाएगा ना। तो वही तो बात हुई ना बच्चों, एकांक आवेश में ठीक है किया गया वर्क डन, यानी अगर आवेश को एक मान लेंगे जो आपका वर्क होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, वही वैद्युत विभव हो जाएगा ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको डेफिनेशन समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन पे ठीक है। तो देखो बच्चों डेरिवेशन इससे भी सिंपल है, अगर आप क्या कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को लिंक कर पा रहे हैं तो आप देखिए डेरिवेशन कैसे कर पाएंगे ठीक है। देखिए बच्चा कंफ्यूज क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर वो डेफिनेशन को नहीं समझा है तो वो डेरिवेशन को रटता है, जब वो रटेगा ना तो वो उसका क्या होता है डाउट होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है जगह जगह। अब देखिए मैं आज आपको डेफिनेशन ऐसे बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे, सॉरी डेरिवेशन इसका ऐसे बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक यूनिट चार्ज लेना है, कहाँ लेना है अनंत में, तो अनंत यानी बहुत दूर ऐसे बना लीजिए। कौन सा चार्ज लेना है, यूनिट चार्ज यानी 1 कूलाम का ठीक है। मैं एक ये बीच में लाइन इसलिए खींचा हूँ, मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ से ठीक है, ये मिडिल पॉइंट है यानी कि मिडिल पॉइंट, या फिर आप इसे मूल बिंदु बोल सकते हैं 0 0 ठीक है। अगर आप जैसे आप 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, अगर आप मूल बिंदु से एक साइड चलते हैं तो आपको क्या मिलता है, प्लस की प्लस मिलता है, एक साइड माइनस मिलता है। तो इधर का डायरेक्शन हम क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं, इधर की दूरी प्लस ले रहे हैं, प्लस डी एक्स, इधर की दूरी क्या ले रहे हैं माइनस डी एक्स। अब बच्चों का एक क्वेश्चन यहाँ पे और होना चाहिए, सर आपने दूरी dx में क्यों ली, आप x भी तो ले सकते थे। बच्चों ये बहुत स्मॉल स्मॉल दूरी ले रहे हैं, मतलब जैसे ना जो ये पार्टिकल 1 कूलाम चल रहा है, ये चार्ज मतलब जो हमारा इस साइड से इस साइड आएगा वो बहुत धीरे धीरे आएगा। अब बच्चों धीरे धीरे ही क्यों आएगा, हम तेज से क्यों नहीं ला सकते हैं? क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज़ और लिखेंगे, स्लोली विदाउट एक्सीलरेशन ठीक है, इसलिए ऐसा करना है, उसमें एक्सीलरेशन नहीं आना चाहिए ठीक है। जैसे f बराबर w बराबर आप या क्या पढ़ें, एफ एक्सटर्नल इंटू डी पढ़े ठीक है, तो ये कांस्टेंट होना चाहिए ठीक है। इसीलिए अब देखिए आते हैं अपने टॉपिक पे, तो यहां से हम क्या करेंगे, 1 कूलाम चार्ज को इनफाइनाइट से कहाँ लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो यहां भी एक कोई चार्ज और रखा है क्यों ठीक है, तो इसका कोई एरिया होगा अपना, जहां तक ये इसका कोई फिक्स एरिया होगा, जहां तक इसका क्राइटेरिया होगा ठीक है बच्चों। अब देखिए सेम डेफिनेशन के अनुसार चलिए, इस चार्ज को कहाँ से उठा रहे हैं, इनफाइनाइट से उठा के कहाँ ला रहे हैं, यहाँ ला रहे हैं, तो यहाँ तक लाने में जो वर्क डन किया जाएगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो बताइए बच्चों वर्क डन को किससे दिखाते हैं आप, डब्लू से ना, डब्लू क्या होता है, वर्क डन होता है। मैं इसे थोड़ा बगल में कर देता हूँ तो मेरे पास स्पेस बच जाएगा ठीक है, ये माइनस डी एक्स हो गया इधर का, ये क्यों चार्ज हो गया ठीक है। डब्लू क्या है, वर्क डन है, W बराबर आप पढ़े हैं एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स, डी को हम क्या कहें, डी एक्स से माने, लेकिन इधर की डिस्टेंस हम क्या लिए, माइनस लिए ना, तो यहाँ पे माइनस डी एक्स आएगा ठीक है। तो इस माइनस को हम यहाँ ना लिख के यहाँ लिखेंगे, बात वही है क्योंकि मल्टीपल में आप लिख सकते हैं ठीक है ठीक। अब बच्चों एफ बराबर आप क्या पढ़े हैं, कूलाम के नियम में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, एफ बराबर क्या होता है, 1/4 πε₀ Q1 Q2 r² ठीक है, क्या होगा 1/4 πε₀ को आप कैसे दिखाएंगे, के Q1 Q2 यानी पहला चार्ज क्या है क्यों, दूसरा चार्ज को आप क्या माने, 1 कूलाम माने हैं ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, r² ठीक, आप यहाँ पे आप r² मानिए, चाहे आप दूरी को x में लिए तो इसको भी आप x के रिस्पेक्ट में ही मानिए ठीक है, क्या हो जाएगा ये x² और ये dx था। अब देखिए यहाँ पे साइन ऑफ इंडिकेशन आप लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि आप चार्ज को कहाँ ला रहे हैं, इनफाइनाइट से ला रहे हैं, कहाँ तक, आर डिस्टेंस तक ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, नहीं है ये आर डिस्टेंस है ठीक है, अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, आर डिस्टेंस तक ला रहे हैं, कोई एक फिक्स दूरी है ठीक है, उसे आर मान ली है। अब देखिए सेम वही चीज़ है, किया गया वर्क डन ही है डब्लू, यही वर्क डन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। अब आप वर्क डन निकालिए, सेम
देखिए k क्यों क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पद को आप बाहर निकाल लेते हैं, इसका समाकलन हो नहीं पाएगा। तो 1/x² ये माइनस लगा था, माइनस ऐसे ही लगा दीजिए जहाँ जहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, r2 इन्फाइनाइट है और ये क्या है, dx है, ठीक। अब चलते हैं 1/x² का, देखते हैं समाकलन क्या होता है। देखिए बच्चों, समाकलन का बेसिक नियम ये होता है, अगर किसी नंबर के पावर में n है, अगर x की पावर n है, तो अगर आप इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x^n+1/n+1 हो जाएगा। यानी जो पावर में होता है ना, एक नंबर प्लस हो जाता है और वही नीचे लिख देते हैं, वही नंबर, ठीक है, सेम नंबर, ठीक। अब जैसे क्या है, ये 1/x² है ना, तो ये अगर 1/x² है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x^-2 हो जाएगा, इसका समाकलन करना है, ठीक है। तो ये x^-2 है, तो -2 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, +1, तो ये x^-1 हो जाएगा -1, ठीक है। अभी इस -1 यहाँ पे है, तो इसको सामने भी लिख सकते हैं, तो -x^-1, ये समाकलन इसका हो गया, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1/x लिख सकते हैं, ठीक है। यानी समाकलन कितना आ गया आपका इसका, -1/x। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, -KQ कितना आ गया आपका, -1/x, फिर लिमिट आप लगा देंगे कितना था, r से इन्फाइनाइट था। अब देखिए बच्चों, यहाँ भी माइनस 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 का मल्टीप्लाई हो गया, ये तो प्लस में हो जाएगा अपन अपना। अब देखिए क्या करेंगे, आप लिमिट को रखेंगे एक बार, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या था, आर था, क्या था, आर था। तो यानी एक्स का क्या लिखना है, एक बार आर लिखना है, तो यहाँ पे 1/r हो जाएगा माइनस, और देखिए 1/∞, तो 1/∞ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया, ये वर्क डन हो गया। यही वर्क डन क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वी किया गया, कार्य किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो क्या मिला, KQ/r, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1/4πε₀Q/r, ठीक है। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वी निकल के आ गया आपका, ठीक है, क्या ये वी है, ठीक है। आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये डेफिनेशन डेरिवेशन हो गया है। अब देखिए इसमें क्या है, वही है, वही कॉन्सेप्ट है वर्क डन वाला, किया गया आपने वर्क डन को फाइंड किया, ये क्या वर्क डन है, आपका मेन फोकस इस पे होना चाहिए, जो आपने डेफिनेशन लिखा है ना, आपको उसी को यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है, आपका डेरिवेशन तैयार हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का डेरिवेशन हम यहीं पे रोकते हैं, और आज की क्लास को भी हम यहीं रोकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिंग कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं मुझसे आपको कहाँ डाउट है, ठीक है। और बाकी ये सिंपल ही है, ठीक है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे, यानी वैद्युत स्थित ऊर्जा क्या होती है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है उसको भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।